नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट यहां पर जुड़ चुके हैं यहां पर, उन सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग है, सभी को यहां पर सुप्रभात, आप सभी को सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम। जितने भी लोग यहां पर जुड़ चुके हैं सभी का आज यहां पर स्वागत है। चलिए अब फटाफट से करते हैं बिना किसी देरी के आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत आप सभी के साथ। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं फटाफट से क्लास की लिंक को यहां पर शेयर कर दीजिएगा और फटाफट से क्लास को यहां पर दोस्तों के साथ साझा कर लीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ इस क्लास में यहां पर जुड़ सकें और इस क्लास को यहां पर सफल बनाया जा सके। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने भी लोग यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करते जा रहे हैं सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग। और आज बहुत कुछ है आपकी क्लास में, आपके लिए यहाँ पर सीखने के लिए इस क्लास में बहुत कुछ है समझने के लिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के करेंगे शुरुआत और पहले हम लोग करेंगे क्लास का रिवीजन। जो लास्ट क्लास आपकी थी, जो सैटरडे की क्लास थी, उसका मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर हम लोग रिवीजन करके डेली करंट अफेयर्स के तहत जो भी आपकी कल और परसों की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती है उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग लास्ट 3 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ नेशनल पार्क पर स्टेट वाइज जो आपकी नेशनल पार्क की लिस्ट है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ राज्यों की स्टैटिक जीके, कुछ राज्यों के जो स्टेट सिंबल्स हैं उनको भी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ है आज आपके लिए सीखने के लिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की। अनअकैडमी पर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई भी एग्जाम हो आपका टारगेट कोड आपका एक ही लगेगा, Target 10 विदाउट स्पेस। टारगेट और 10 के बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है और अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है आप उसे किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए एग्जाम की तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आज अगर अनअकैडमी की बात करता हूं तो 2 क्लासेस आपकी रहेंगी। सुबह 11 बजे आपकी रहेगी GS MCQ की क्लास, इसको सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा दोपहर 1 बजे आपकी जो क्लास रहेगी वो स्टैटिक जीके की क्लास रहेगी, सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ रैपिड फायर बोर्ड में क्विक रिवीजन जो एमसीक्यू रहे हैं सैटरडे के उन सबको यहाँ पर एक बार में फटाफट से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, बिहार महासभा चुनाव 2020 के लिए जो मतगणना होगी वो आपकी किस तारीख को होगी। बिहार में चुनाव का जो बिगुल है वो आपका बज चुका है। टोटल 3 अलग अलग चरणों में बिहार के चुनाव यहाँ पर कंडक्ट होंगे लेकिन इसकी मतगणना यानी कि इसकी जो काउंटिंग होगी वोट्स की वो कब होगी, किस तारीख को होगी। 10 नवंबर, 3 नवंबर, 25 नवंबर या फिर 20 नवंबर। सही जवाब आपका बनता है 10 नवंबर को यहाँ पर मतगणना होगी, तब पता चलेगा कि किसकी सरकार आपकी बनेगी। और अमेरिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद के चुनाव नवंबर के महीने में ही होंगे और 3 तारीख से अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे अगर इन्हें COVID-19 के चलते अगर कैंसिल नहीं किया गया। देन क्लियर है, ठीक है। किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से बचने के लिए और उनको नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार आपका यहाँ पर जीता है। यूएन का नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करने से रोकने के लिए, उनको फैलने से रोकने के लिए किस राज्य ने यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो इस राज्य का नाम बनता है आपका केरला स्टेट। चीफ मिनिस्टर बनते हैं पी विजयन, गवर्नर आपके बनते हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन सा भारतीय राज्य भारत के 51वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। तो ये भारतीय राज्य आपका बनेगा गोवा स्टेट। राजधानी बनती है पणजी और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर जो आपके बनते हैं गोवा के वो बनते हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी जो कि आपके महाराष्ट्र के गवर्नर भी बनते हैं। G4 राष्ट्रों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों का आह्वान किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री है वो G4 का आपका मेंबर कंट्री नहीं है। तो इनमें से अमेरिका जो है वो आपका G4 का ग्रुप 4 कंट्रीज का मेंबर कंट्री अभी तक आपका नहीं है। G4 देशों द्वारा मांगे गए UNSC सुधारों पर कौन सा जो राज्य है वो गैर कमिटेड रहा है, क्योंकि और इसका गैर कमिटेड होना लाजमी भी है और ये कंट्री आपका बनता है चाइना। ठीक है, क्लियर है आपका यहाँ पर। चलिए, 25 सितंबर 2020 को किस योजना ने अपने 3 साल यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। चारों में से करेक्ट आंसर आपका बनता है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसके तहत लोगों के घरों में यहाँ पर बिजली कनेक्शन और साथ ही साथ यहाँ पर इन्हें जो आपके
एलईडी बल्ब वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड करने की बात की गई थी। इसने अभी हाल ही में अपने 3 साल 25 सितंबर 2020 को अपने 3 साल यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। सेफ पे एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा है और शीघ्र ही किस बैंक के द्वारा सेफ पे नामक ये जो सुविधा है सर्विस है वो आपकी लॉन्च की जाएगी। बैंक का नाम आपका बनेगा IDFC फर्स्ट बैंक। याद रखिएगा IDFC फर्स्ट बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है फटाफट से इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर लिखकर बता दीजिएगा। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में बनता है, तो केनरा कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर आसानी से याद रख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई बनता है, जबकि HDFC बैंक का मुख्यालय भी आपका मुंबई शहर में आपका बनता है। क्लियर है आप यहां पर, पॉइंट यहां पर क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को आपका मनाया जाता है? 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट डे। करेक्ट आंसर 25th of September। पीएम मोदी ने हाल ही में वर्चुअल फिट इंडिया डायलॉग को संबोधित किया है और जिसे फिट इंडिया मूवमेंट के कौन से नंबर की वर्षगांठ को मनाने के लिए आयोजित किया गया था? तो फिट इंडिया मूवमेंट के कितने साल आपके पूरे हो चुके हैं? पहला साल ही पूरा हुआ है, दूसरा साल हुआ है, तीसरा या फिर चौथा? ये पहला साल आपका फिट इंडिया मूवमेंट का यहाँ पर पूरा हुआ है, जिसमें यहाँ पर वर्चुअल फिट इंडिया डायलॉग की शुरुआत आपकी की गई थी। मोदी जी ने यहाँ पर इसे संबोधित किया था। क्लियर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। महान क्रिकेटर और कोच डीन जोन्स का निधन किस देश से हुआ? मतलब कि इनका जो हाल ही में निधन हो गया है, तो डीन जोन्स किस देश से आपके बिलोंग करते थे? ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के जाने माने क्रिकेटर थे, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज। करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया। निधन हुआ है मुंबई के एक होटल में और कार्डियक अरेस्ट की वजह से, यानी कि हार्ट अटैक होने की वजह से। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जल भागीदारी समझौता किया है? तो ये यूके के साथ जल भागीदारी समझौता आपका हाल ही में किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वर्ष 2018 और 2019 के लिए कितने लोगों को टोटल यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2018-19 के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है? तो टोटल यहाँ पर लोगों की संख्या आपकी बनती है 42। किस राज्य ने मोक्ष कलश योजना की यहाँ पर शुरुआत की है ताकि इस राज्य के लोग अपने सगे संबंधियों के अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जा सके? आने जाने का खर्चा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ये जो योजना बनती है मोक्ष कलश योजना, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने आपकी यहाँ पर शुरू की है। अशोक गहलोत राजस्थान के आपके बनते हैं चीफ मिनिस्टर, और साथ ही साथ यहाँ के गवर्नर का नाम याद रखिएगा वो आपका बनता है कलराज मिश्र। सच कहूं तो इस पुस्तक के राइटर आपके कौन बनते हैं? सुरेखा सिकरी, पंकज कपूर, नीना गुप्ता और अनुपम खेर। करेक्ट आंसर बनते हैं जानी मानी एक्ट्रेस नीना गुप्ता की किताब बनती है सच कहूं तो। नाम सीधा याद रख लीजिएगा, करंट अफेयर्स की बुक है, सीधे एग्जाम में पूछी जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवचन अचोनी योजना किस राज्य के द्वारा आपकी शुरू की गई है? असम स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट, उड़ीसा स्टेट और बिहार स्टेट। चार ऑप्शन। करेक्ट आंसर बनता है नॉर्थ ईस्ट का असम स्टेट। क्लियर है। तो ये तो रही आपकी कंप्लीट करंट अफेयर्स, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर रिवीजन डन कर लिया है। मुश्किल से 7 से 8 मिनट का समय यहाँ पर लगा है। अब डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। RBI के द्वारा घोषित किस संगठन ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसे हम लोग CTS बोलते हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 का स्टैंडर्ड है। आप लोगों ने जो चेक होता है, चेक के जो आपका CTS चेक होता है, तो यहाँ पर जो चेक आपका होता है उस चेक पर लोगों ने लिखा देखा होगा CTS 2010। इस तरीके से यहाँ पर अगर चेक के किनारे पर लिखा हुआ है CTS 2010, तो वो चेक आपका चेक ट्रंकेशन पर सिस्टम पर काम करने वाला चेक होता है। उसके लिए एक सकारात्मक वेतन प्रणाली लॉन्च करने की बात यहाँ पर की है। वेतन प्रणाली नहीं कहेंगे हम इसे, एक पॉजिटिव पे सिस्टम बोलेंगे। तो ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग हिंदी में ही लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव पे सिस्टम यहाँ पर विकसित करने की बात की। विच ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप द पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS एज अनाउंस बाय RBI? ये RBI ने इस बात की घोषणा की है। इस संस्था का नाम डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, NASCOM है या फिर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। करेक्ट आंसर आपका बनता है NPCI। NPCI का फुल फॉर्म क्या बनेगा फटाफट से यहाँ पर लिखकर मुझे बता दीजिएगा कि NPCI का फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर
मौजूद है। और सीटीएस चेक होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीटीएस सिस्टम जो आपका है वो 2010 का स्टैंडर्ड है। पहले क्या होता था, सीटीएस चेक आने से पहले अगर आप किसी दूसरे बैंक का चेक किसी दूसरे बैंक में लगाते थे तो चेक को क्लियर होने में काफी समय लगता था। मान लेते हैं कि आपका खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और लेकिन जो आपको चेक मिला है, मान लेते हैं कहीं से भी चेक आपको रिसीव हुआ हो, और मान लेते हैं वो एक्सिस बैंक का चेक है, लेकिन आपका खाता कहां पर है, आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप अपनी बैंक की ब्रांच जाएंगे, एसबीआई की ब्रांच जाएंगे, और वहां पर आप एक्सिस बैंक को एक्सिस बैंक का जो चेक है वो वहां पर लगाएंगे। अब इस एक्सिस बैंक के चेक को क्लियर होने में 15 से 20 दिनों का समय भी लग जाता था, क्योंकि प्रोसेस आपकी ये होती थी कि एक्सिस बैंक का चेक एसबीआई में आपने डिपॉजिट कर दिया, फिर क्या होता था कि एक्सिस बैंक का ये चेक एसबीआई बैंक का एक अधिकारी महीने में एक दिन या फिर हफ्ते में एक दिन इसकी एक मीटिंग होती है, जितने भी अलग अलग बैंकों का जो एजेंट होते हैं वो आपका एक जगह पर मिलते हैं हफ्ते में एक दिन, और जितने भी बैंकों के चेक एक दूसरे बैंकों के पास होते हैं उनको वहां पर सेटल किया जाता है, और इन चेकों का फिजिकल मूवमेंट होता है। फिजिकल मूवमेंट का मतलब है कि जो चेक मैंने लिख कर और जो चेक मुझे मिला था एक्सिस बैंक का, वही चेक बैंक का अधिकारी और एजेंट हफ्ते में एक दिन जहां कहीं भी सभी बैंकों के अधिकारी आपके मिलेंगे उस शहर में, वो आपस में वहां पर क्या करेंगे, उसका सेटलमेंट करेंगे। उसके लिए उसको लेके जाना पड़ता था, तो इस पे रिस्क भी होता था और इसमें समय भी काफी लगता था सेटलमेंट की प्रोसेस में, क्योंकि पहले उनकी जांच होती थी चेक फर्जी तो नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, अकाउंट में अमाउंट है या नहीं है, जितना अमाउंट चेक में भरा गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो चेक के बाउंस होने के भी रीजन रहते थे। सीटीएस के आने के बाद ये सारी प्रोसेस आपकी खत्म हो गई। सीटीएस चेक के तहत होता यह है कि चेक का जो फिजिकल मूवमेंट होता है, मतलब कि उसी चेक को ले जाने की जरूरत नहीं होती। मान लेते हैं ये एक्सिस बैंक का चेक है और इस एक्सिस बैंक के चेक को मैंने अपने बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एसबीआई का करेगा इस चेक की एक डिजिटल इमेज को कैप्चर करेगा, और इसकी एक डिजिटल इमेज लाइक अ फोटोकॉपी इमेज वो किसको सेंड करेगा, वो एक्सिस बैंक को सेंड करेगा। क्यों करेगा सर? ताकि एक्सिस बैंक अपने डेटाबेस से देखकर ये बता सके कि ये चेक आपका फर्जी नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो वो क्या करेगा, उस चेक की फोटोकॉपी को देखकर उस चेक में जो अकाउंट है या जिसका भी वो चेक है, या जैसे कि मैंने ये चेक आपको दिया है, तो वो ये देखेगा कि ये जो चेक है वो किस अकाउंट होल्डर का है, इसके अकाउंट में इतना अमाउंट है या नहीं, मेरे द्वारा जो सिग्नेचर किए गए हैं उस चेक पर उसका भी मिलान एक्सिस बैंक ही कर पाएगा, क्योंकि डेटाबेस उनके पास है। और 2 से 3 दिन के अंदर ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन ही यहाँ पर क्लियर हो जाती है, और इसकी कंफर्मेशन फिर बैंक को भेज दी जाती है, एसबीआई को भेज दी जाती है कि हाँ भैया चेक बिल्कुल क्लियर है और आप चेक का पेमेंट कर दीजिए, तो इस चेक का पेमेंट 2 से 3 दिन के अंदर एसबीआई अपने खाते में कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक आपका नहीं होता है। आसान प्रोसेस है, चेक की इमेज को डिजिटल इमेज को यूज किया जाता है सारे कंफर्मेशंस के लिए और सारी चीजों के लिए। ये बात सबको समझ में आ गई हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिए कि हाँ सर ये सारी बात समझ में आ गई। कई बार आपके एग्जाम में सीटीएस का फुल फॉर्म पूछता है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म आपका बनता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। एक चेक अपने जारी होने की तिथि से 3 महीने तक आपका वैलिड होता है, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। समझ में आ गया सभी को तो एक बार यस लिखकर यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक आपकी क्या बनती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020? भारत की जो रैंकिंग बनती है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में 105वीं बनती है, 73वीं बनती है, 162वीं बनती है, या फिर 89 नंबर की रैंक आपकी यहाँ पर बनती है? फटाफट से यहाँ पर मुझे बताएगा सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि अगर मान लेते हैं ये कोई चेक है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर 3 लोग एक चेक के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो चेक को विड्रॉ, एक तो होता है आपका ड्रॉअर। ड्रॉअर क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं इस चेक को मैंने लिखा है और मैंने ये चेक उठाकर राम को दिया है, ठीक है, ये मैंने एक चेक काटकर राम को दिया है, ठीक है। तो बैंक चेक की कंडीशन में एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई, और तीसरा होता है आपका पेई।
अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ कि चेक काटा गया है, चेक जब भी काटा जाता है और चेक का जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन होता है उसमें टोटल तीन पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, एक तो ड्रॉअर होता है, दूसरा ड्रॉई होता है, तीसरा पेई है। और मान लेते हैं 5 लाख रुपए का एक चेक मैंने यानी कि अंकित सर ने अगर 5 लाख रुपए का एक चेक काट कर राम को दिया है और ये चेक आपका बनता है किस बैंक का, ये चेक आपका बनता है एक्सिस बैंक का, तो ऐसी कंडीशन में हु इज ड्रॉअर, ड्रॉअर किसे कहेंगे, तो ड्रॉअर अंकित सर होंगे जिसके द्वारा चेक काटा जाता है, जिसका चेक होता है और जो चेक पर सिग्नेचर करता है वो आपका चेक की कंडीशन में आपका ड्रॉअर होता है। ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉई जो आपका होता है, ड्रॉई कौन होता है ये आप लोग यहाँ पर फटाफट से लिखकर बताइए, ड्रॉई कौन होगा और पेई कौन होगा ये फटाफट से मुझे लिखकर बता दीजिएगा। विश्व जोखिम सूचकांक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में भारत जो है वो 89 पोजीशन पर आपका मौजूद है, फटाफट से, हाँ वेरी गुड, 89 पोजीशन पर आपका यहाँ पर मौजूद है। अच्छा बताओ ड्रॉई कौन होगा, ड्रॉई कौन होगा, अंकित सर तो होगा ड्रॉअर, एंड हु इज ड्रॉई, राम क्या हो जाएगा आपका, राम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ड्रॉई हो जाएगा, आया ना। नहीं नहीं रिया राठी जी गलत जवाब है, बैंक पे ही नहीं होता, बैंक इज ऑलवेज अ ड्रॉई। बैंक कौन होता है, बैंक हमेशा ड्रॉई होता है, यह याद रखिएगा, बैंक हमेशा आपका ड्रॉई होता है, पेई वो व्यक्ति होता है जिसे पेमेंट किया जाता है, मेरी बात समझ में आ रही, पेई का मतलब है जिसे पेमेंट किया जाता है यानी कि भुगतान प्राप्त करता होता है, मेरी बात समझ में आई। तो राम यहां पर होगा आपका पेई और ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक, हमेशा ड्रॉई एक बैंक होता है क्योंकि जो चेक होता है वो कभी ना कभी किसी ना किसी बैंक का तो होगा, मेरी बात समझ में आई, ड्रॉई ऑलवेज अ बैंक, ये बात नोट करके रख लीजिएगा, ड्रॉई ऑलवेज अ बैंक क्योंकि जो चेक काट के दिया गया है वो चेक किसी ना किसी बैंक का होता होगा, इसलिए ड्रॉई ऑलवेज अ बैंक, जिस बैंक का चेक होगा हमेशा वो ड्रॉई होता है क्योंकि पैसा उस बैंक के अकाउंट से निकाला जाता है और जिसे पैसा प्राप्त होता है वो पे ही होता है। 2020 भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमेक्स 2020, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पर टॉप पोजीशन पर कौन सा कंट्री है इंडेक्स पर, वो नहीं बताया, आगे एमसीक्यू है वहीं डिस्कस करेंगे। 2020 के लिए भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमेक्स 20 द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण है जो कि भारत और जापान की जो नौसेनाएं हैं वो आपकी कंडक्ट कर रही हैं, तीसरा चौथा पांचवा। दूसरा 2020 इंडिया जापान मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज एज विच एडिशन ऑफ द बाइनियल नेवल एक्सरसाइज, ये कौन सा एडिशन है, तो ये चौथे नंबर का एडिशन आपका यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा। पेई ऑलवेज वही होता है जो पेमेंट रिसीव करता है वो पेई होता है, एंड ड्रॉई जो होता है वो ऑलवेज एक बैंक होता है क्योंकि चेक हमेशा किसी ना किसी बैंक का तो होगा, क्लियर है, तो ड्रॉई ऑलवेज अ बैंक, ये आप बात अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा, क्लियर है। मंतोष जी तुमको दे देंगे लेकिन पहले ऐसा कोई काम करो कि मैं आपको 5 लाख का चेक काट के दूं, है कि नहीं। और ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द राइट आंसर, चौथे नंबर का जीमेक्स 2020 नौसेना अभ्यास भारत और जापान के बीच में आपका कंडक्ट हुआ है। जापान की बात कर लेते हैं, जापान उगते हुए सूर्य का देश है, जापान एक आइलैंड कंट्री है मतलब चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जापान देश के अंदर कुल कितने छोटे छोटे आइलैंड्स आपके मौजूद हैं उनकी संख्या फटाफट से लिखकर बताइए, जापान की राजधानी आपकी बनती है टोक्यो, क्या बनती है, जापान की राजधानी टोक्यो बनती है। 2021 में यहाँ पर ओलंपिक गेम्स भी आपके होने वाले हैं, टोक्यो शहर को ईडो शहर के नाम से भी जाना जाता है, पुराना नाम जो बनता है टोक्यो शहर का वो ईडो बनता है, और ये होन्जू नाम का जो आइलैंड बनता है जो कि जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, उस आइलैंड पर आपका टोक्यो जो सिटी है वो आपकी मौजूद है, ये भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा, क्लियर है। अभी हाल ही में यहां पर नए प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, उन प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या बनेगा फटाफट से यहां पर लिखकर बता दीजिएगा। जापान टोटल 4 आइलैंड कंट्रीज पर आपका, 4 आइलैंड्स में आपका मौजूद है, और अभी हाल ही में यहां पर नए प्राइम मिनिस्टर जो आपके अपॉइंट हुए हैं फटाफट से उनका नाम यहां पर लिखकर मुझे बता दीजिए। सबसे पहले रश्मि सोनी जी ने नाम यहां पर लिखकर बताया है कि योशिदा सुगा यहां के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, शेखर बसु जिनका हाल ही में आपका निधन हो गया है वह किस संगठन के पूर्व आपके अध्यक्ष रह चुके हैं। शेखर बसु हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया जिसे हम लोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है, या फिर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के चेयरमैन रह चुके हैं। शेखर बसु जी जाने माने एक आपके
वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक हमेशा वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशंस का ही चेयरमैन रहेगा। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, इसके आपके पूर्व अध्यक्ष आपके रह चुके हैं शेखर बसु साहब। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर बनता है, ये संस्था कहाँ पर आपकी मौजूद है, फटाफट से उसका नाम यहाँ पर लिखकर मुझे बता दीजिएगा। हाँ, माउंट फिजी, बिल्कुल सही है, जापान की सबसे ऊंची चोटी आपकी यहाँ पर बनती है, वेरी गुड। अमित कुमार जी, वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन नहीं हो सकते और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन पूछा गया है ना। और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हमेशा से प्राइम मिनिस्टर होते हैं और शेखर बसु आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, हमेशा से याद रखिएगा। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो आपका पहले वर्क करता था, हमेशा से उसके प्राइम मिनिस्टर आपके प्रेसिडेंट होते थे। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आपका नहीं रहा, अब कौन बन गया है, उसकी जगह जो संस्था काम करती है वो बनता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अब भी नीति आयोग के जो आपके चेयरमैन बनते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही आपके बनते हैं। हाँ, वाइस चेयरमैन जो कि होते हैं वो आपके वर्तमान में राजीव कुमार है, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। तो इस तरह से चीजों को याद रखिएगा, क्लियर है आप सभी को। चलिए आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस देश के साथ भारत ने हाल ही में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विद विच ऑफ दीज कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली इन MOU। एक बार तो एग्जाम में MOU का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। MOU का फुल फॉर्म बनता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता ज्ञापन, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में हमने सिंगापुर के साथ करार किया है, नीदरलैंड के साथ करार किया है, डेनमार्क के साथ करार किया है या फिर बेल्जियम के साथ करार किया है, फटाफट से मुझे बताएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर क्या बनेगा, फटाफट से मुझे बताएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर क्या बनेगा। जितने भी लोग हैं फटाफट से आंसर दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। सही जवाब इसका यहाँ पर बनता है डेनमार्क, करेक्ट आंसर आपका क्या बनता है, डेनमार्क। और डेनमार्क कंट्री की कैपिटल और करेंसी फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड बनता है उसका नाम क्या है, उसका नाम बनता है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड बनता है उसका नाम बनता है ग्रीनलैंड, जो कि एक अलग आइलैंड है, लेकिन ग्रीनलैंड जो आइलैंड है उस पर जो अधिकार है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन चार कंट्रीज में से किसके हाथ में है, सिंगापुर के हाथ में है, नीदरलैंड के हाथ में है, डेनमार्क के हाथ में है या फिर बेल्जियम के हाथ में है, फटाफट से मुझे बताएगा। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड पर जो कंट्रोल है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है, वो किस देश के हाथ में है या उस इस आइलैंड पर किसका अधिकार है, ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है। डेनमार्क की जो करेंसी बनती है वो क्रोना बनती है। अब यहाँ की राजधानी क्या है, फटाफट से मुझे यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ की करेंसी क्या बनती, यहाँ की राजधानी आपकी क्या बनती है, फटाफट से लिखकर बताइएगा, ओके। और ये भी कि ड्रेन जो ग्रीनलैंड है वो किस के अधिकार क्षेत्र में आपका आता है, ठीक है। राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त प्रदान करने के लिए किस संस्था, निम्नलिखित संस्थानों में से किसने यूएसडी मतलब अमेरिकी डॉलर 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की यहाँ पर घोषणा आपकी यहाँ पर की है। सुनील पाल जी, सभी को यहाँ पर क्या साउंड का कोई इश्यू हो रहा है, किसी को साउंड का कोई इश्यू हो रहा है या एवरीथिंग इज ओके, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। सभी तक आवाज बिल्कुल साफ साफ पहुंच रही हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा कि यस सर, अब आवाज बिल्कुल सही है, आवाज सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अब सारी चीजें ओके हैं, तो एक बार यस लिखकर बता दीजिए कि एवरीथिंग इज फाइन, अब सब कुछ ओके है ना, तो एक बार यस लिखकर बता दी कि यस सर अब सारी चीजें ओके हैं। Which among the given institution has approved 300 million US dollar loan to finance inclusive water supply and sanitation infrastructure and services in the secondary towns of the Rajasthan? Asian Infrastructure Investment Bank, Asian Development Bank, New Development Bank or World Bank? Correct answer आपका यहाँ पर बनता है Asian Development Bank, यानी कि ADB. ADB की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा ADB पे कर लेते हैं। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1916 में हुई थी और 19
दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारे देश में गोवा राज्य के लिए गोवा लिबरेशन डे, गोवा राज्य के लिए गोवा लिबरेशन डे आपका 19 दिवस को आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। एडीबी का हेडक्वार्टर आपका फिलीपींस की कैपिटल मनीला में आपका मौजूद है। टोटल आपके 68 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें से 49 कंट्रीज एशिया से आते हैं और 19 कंट्रीज जो आते हैं एशिया और पैसिफिक रीजन से 49 देश आते हैं, जबकि आउटसाइड बाहरी 19 देश हैं जो कि एशिया के बाहर से आपके यहाँ पर बनते हैं। एडीबी के जो वर्तमान प्रेसिडेंट उनका नाम बनता है मात्सुगु असकावा, ये इसके वर्तमान प्रेसिडेंट आपके बनते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी एग्जाम में आपका पूछता रहता है, ये याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बात करते हैं, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द ईसर जज आहलूवालिया हु पास्ड अवे ड्यू टू द ब्रेन कैंसर रिसेंटली। ब्रेन कैंसर की बात करते हैं, ब्रेन कैंसर के कारण जिसका निधन हुआ है उनका नाम बनता है ईसर जज आहलूवालिया। उनका पेशा आपका क्या बनता है? वो जाने माने जर्नलिस्ट थे, जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, जाने माने ज्यूरिस्ट थे या फिर जाने मानी स्पोर्ट्स वेमेन थी, जिनका हाल ही में ब्रेन कैंसर की वजह से निधन हो गया है। तो हाल ही में ये जो ऑबिचुरी आपकी यहाँ पर बनती है वो आपकी बनती है इकोनॉमिस्ट, यानी कि जाने माने इकोनॉमिस्ट ईशर जज आहलूवालिया का यहाँ पर क्या हुआ है, आपका निधन यहाँ पर हो गया है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए, 2020 के सार्क परिषद की अनौपचारिक बैठक में भारत का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा आपका किया गया है, यह आपको बताना है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ द सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 2020, ये आपके बनते हैं राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और एस जयशंकर। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पर दिया था, ये याद रखिएगा, क्लियर है। विश्व जोखिम सूचकांक यानी कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंकिंग 89 आपकी बनती है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में किस कंट्री ने यहाँ पर शीर्ष पोजीशन आपकी हासिल की, उस कंट्री का नाम क्या बनता है? कतर, वानुअतु, कतर देश, वानुअतु ये कंट्री है, सेनेगल है और साउथ सूडान है, चार देश है। सबसे ज्यादा रिस्क किस कंट्री के ऊपर आपका मौजूद है, सबसे ज्यादा रिस्क किस कंट्री के ऊपर आपका मौजूद है, जो कि आपका विश्व जोखिम सूचकांक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में जिसने अब टॉप पोजीशन आपकी यहां पर हासिल की है, करेक्ट आंसर ये बनता है, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसका नाम बनता है वानुअतु आइलैंड। आज इस आइलैंड को या इस कंट्री को आप लोग एक बार मैप पर जरूर देख लीजिएगा, ये कंट्री टॉप पोजीशन पर है दुनिया में। सबसे ज्यादा जो खतरा है वो इसी देश को, चाहे फिर वो नेचुरल हो चाहे फिर वो यहाँ पर मैनमेड हो, क्लियर है। अब बात करेंगे शहरी बैंकों को, शहरी सहकारी बैंकों को साइबर हमलों से बचाने के लिए आरबीआई द्वारा सुझाए गए 5 स्तंभ रणनीतिक दृष्टिकोण का नाम आपका यहां पर क्या बनता है? नेम द 5 प्लस स्ट्रेटेजिक अप्रोच सजेस्टेड बाय द आरबीआई टू प्रिवेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम द साइबर अटैक्स। शहरों में जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स आपके काम कर रहे हैं उनको साइबर हमलों से, ऑनलाइन अटैक से बचाने के लिए जो दृष्टिकोण या फिर जो आपका यहाँ पर सजेशन या जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच आरबीआई के द्वारा बताई गई है, उसके टोटल कितने पिलर्स हैं? 5 पिलर्स हैं। और इसको क्या नाम दिया गया है? सील्ड नाम दिया गया है, गार्ड नाम दिया गया है, वॉच नाम दिया गया है, फेंस नाम दिया गया है। चार ऑप्शन करेक्ट आंसर बनता है, इस 5 पिलर स्ट्रेटेजिक अप्रोच का नाम बनता है गार्ड, जो कि बैंकों को यहां पर ऑनलाइन साइबर अटैक से बचाएगा। जैसे कि बैंकों के सर्वर को हैक करने का प्रयास किया जाता है, ईमेल्स के माध्यम से स्पैम ईमेल भेजकर बैंक के सर्वर को हैक करने की कोशिश, ये सब कुछ आपका साइबर अटैक में आपका आएगा, ये याद रखिएगा, क्लियर है, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना और द सौभाग्य स्कीम हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स ऑफ लॉन्च ऑन 25th September, ये तो हमने अभी आज ही रिवीजन में डिस्कस किया है, फटाफट से बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना और जिसको हम लोग सौभाग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, 25 सितंबर 2020 को, इस योजना के कुल कितने साल आपके पूरे हुए हैं? तो अभी हम लोगों ने रिवीजन में डिस्कस किया था, इसके 3 साल आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, क्लियर है। एसर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर आपको यहां पर नियुक्त किया है, फटाफट से मुझे बताइएगा, फटाफट से बताएगा। एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे यहां पर नियुक्त किया है? हु हैज बीन रोप्ड बाय
एसर इंडिया एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, अक्षय कुमार को, सोनू सूद को या फिर विराट कोहली। एसर इंडिया कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है सोनू सूद, बताने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में डिस्कशन करने की भी जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है। भारत की स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम मिसाइल जिसका नाम बनता है आपका पृथ्वी 2, ये मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल आपकी यहाँ पर बनती है? जी हाँ, जितने भी लोगों ने यहाँ पर सोनू सूद आंसर किया है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इंडियाज इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल पृथ्वी 2 मिसाइल इज विच कैटेगरी ऑफ मिसाइल? ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है सरफेस टू एयर, या फिर ये हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है एयर टू सरफेस, या फिर ये सतह से सतह पर मार करने वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, या फिर ये हवा से हवा में मार करने वाली आपकी एयर टू एयर मिसाइल आपकी बनती है। बहुत कम लोगों को ये भी जानकारी है कि भारत की सबसे पहली जो डेवलप की गई मिसाइल है वो आपकी पृथ्वी मिसाइल ही बनती है। किस मिसाइल को भारत ने सबसे पहली बार इंडिजीनियसली डेवलप किया था, या भारत की सबसे पहली मिसाइल जो भारत ने खुद डेवलप की थी वो आपकी बनती है कौन सी? वो आपकी पृथ्वी मिसाइल ही बनती है। पृथ्वी 2 मिसाइल भी आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल के आपके 3 वर्जन बनते हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। ये अलग अलग डिस्टेंस के लिए मारक क्षमता की मिसाइलें आपकी बनती हैं, और ये मिसाइलें आपकी सतह से ही लॉन्च होती हैं, यानी कि जमीन से लॉन्च होती है और जमीन पर ही मार करती हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य के छात्रों को रोजगार पाने में मदद के लिए यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है, उस राज्य का नाम? विच स्टेट हैज लॉन्च द यूनिफाइड पोर्टल यूराइज टू हेल्प स्टूडेंट्स गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उनको रोजगार यहाँ पर देने के लिए? उड़ीसा राज्य सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बनती है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार बनती है, या फिर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट बनती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर यहाँ पर लिखकर आता है। फटाफट से आंसर देना इस प्रश्न का, आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या बनेगा? जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं फटाफट से आंसर करें। करेक्ट आंसर यूपी बनता है, और यूपी का यू उसी से आप समझ जाएगा, यू राइज का जो यू बनेगा वो आपका यूपी का यू होगा। ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यहां पर रोजगार पाने में मदद के लिए, ओके। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए एमडी के रूप में किसे आपका नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new managing director of the energy efficient services limited? तो जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होते हैं वो आपसे पूछे आते हैं, वेंकटेश द्विवेदी, राजीव शर्मा, रजत सूद या फिर एस गोपाल? 4 ऑप्शन आपके यहां पर बनते हैं, करेक्ट आंसर आपका बनेगा रजत सूद, ऑप्शन नंबर 3, ओके। Which state has recently won the UN award for prevention and control of the non-communicable diseases 2020? हो चुका है ये क्वेश्चन, रिवीजन में भी हो चुका है, सैटरडे को भी डिस्कस हुआ था। करेक्ट आंसर क्या बनेगा फटाफट से यहाँ पर लिखकर मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा। केरला है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है और गुजरात राज्य है, बिल्कुल सही कहा रश्मि सोनी जी। यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी के वर्तमान चीफ मिनिस्टर आपके बनते हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ पर डिप्टी सीएम भी हैं, और यूपी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। दोनों का नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताने का सभी विद्यार्थी प्रयास करें। गवर्नर जो यूपी की बनती हैं आनंदीबेन पटेल बनती हैं, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी आपकी गवर्नर आपकी यहां पर बनती हैं। बारहसिंघा यूपी का स्टेट एनिमल बनता है, और यही स्टेट एनिमल आपका बनता है मध्य प्रदेश का। सारस क्रेन आपका क्या बनता है? स्टेट बर्ड बनता है यूपी का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यूपी भारत में सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करने वाला देश है, या भारत का वो राज्य जो कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है वो आपका यूपी बनेगा। यूपी में आपका एक जिला भी बनता है जिसका नाम बनता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, जो कि पूरे देश में इकलौता ऐसा जिला है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, जो कि सोन नदी के किनारे आपका मौजूद है। इकलौता ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। भारत का कोई भी राज्य 4 राज्यों के साथ बाउंड्री आपका साझा नहीं करता है। केरल राज्य की बात करते हैं, पी विजयन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आरएफ मोहम्मद खान केरला राज्य के क्या बनेंगे? गवर्नर बनेंगे। केरला राज्य को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, इसके समुद्री तट को मालाबार को उसके नाम से भी आपका जाना जाता है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। सबसे पहले मॉनसून इंटर करता है केरला स्टेट में। भारत की सबसे लंबी झील नाम बनता है आपकी वेम्बनद झील, वो भी केरला राज्य में आपकी मौजूद है। वेम्बनद झील के ऊपर भारत का सबसे लंबा जो समुद्री रेल झील के ऊपर बनाया गया जो आपका पुल है वो भी आपका वेम्बनद झील के ऊपर ही आपका मौजूद है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। जैव विविधता से परे 2020 में आभासीय मंत्रिमंडलीय गोल मेज वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? Who represented India at the virtual ministerial round table dialogue?
ऑन बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड 2020। नितिन गडकरी आपके क्या बनते हैं, यहाँ पर परिवहन मंत्री बनते हैं प्रकाश जावड़ेकर, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है फटाफट से बताइएगा। हर्षवर्धन साहब भारत के हेल्थ मिनिस्टर और पीयूष गोयल साहब भारत के रेल मिनिस्टर, फटाफट से मुझे बताइएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, किसने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था। तो करेक्ट आंसर प्रकाश जावड़ेकर है, इसलिए मैंने इनकी मिनिस्ट्री आपसे पूछी है कि किस मंत्रालय को यहाँ पर आपके देखते हैं, फटाफट से लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, प्रकाश जावड़ेकर बिल्कुल। अगला अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो आपकी डेली करंट अफेयर्स थी वो आपकी यहाँ पर समाप्त होती है, अब लास्ट थ्री मंथ की करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में वीडियो कॉल सुविधा आपकी लॉन्च की गई है, जिससे यहाँ पर भर्ती होने वाले जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो अपने प्रियजनों से बातचीत यहाँ पर कर सकते हैं। रिसेंटली बाय होम वीडियो कॉल फैसिलिटी इन द दिल्ली लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल विच अलाउ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट एडमिटेड हेयर टू टॉक टू देयर लव्ड वंस। गौतम गंभीर ने इस वीडियो कॉल फैसिलिटी की शुरुआत की थी, मीनाक्षी लेखी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने या फिर वहां के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनता है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। गौतम गंभीर दिल्ली के किस संसदीय क्षेत्र से आपके लोकसभा सांसद बनते हैं, पॉपुलर भी हैं और पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं गौतम गंभीर, तो आपको बताना है कि क्या ये चांदनी चौक से सांसद हैं, या ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं, या फिर ये ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं, या फिर ये नई दिल्ली से सांसद आपके बनते हैं। फ्रॉम विच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दिल्ली डज गौतम गंभीर बिकम अ लोकसभा मेंबर। करेक्ट आंसर आपका बनता है दिल्ली के ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से गौतम गंभीर आपके सांसद बनते हैं। चांदनी चौक से जो सांसद बनते हैं वो है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। चांदनी चौक के मार्केट का पूरी तरह से कायाकल्प आपका हो चुका है और चांदनी चौक सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी आपका बनता है। बीजेपी के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, और भोजपुरी फिल्मों के एक्टर भी हैं, गायक भी हैं, ये आपके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद बनते हैं। जबकि नई दिल्ली से जो आपकी सांसद बनती हैं वो मीनाक्षी लेखी आपकी बनती हैं, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न, किस संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी से उपजी समस्याओं के चलते अगले 12 महीनों में यानी कि अगले एक साल में 5 या फिर 5 साल से कम उम्र के लगभग 8,81,000 बच्चे आपके मर सकते हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ड्यू टू द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द कोविड-19 एपिडेमिक इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स अबाउट 8,81,000 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ द 5 और 5 कैन डाई अंडर द एज ऑफ 5 और 5 कैन डाई। ये WHO की रिपोर्ट में निकल कर आया है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में निकल कर आया है, यूनिसेफ की रिपोर्ट में निकल कर आया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो इसका आंसर यूनिसेफ बनेगा, क्योंकि यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशन जो आपका चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म आपका यहाँ पर बनता है। और ये भी बोला गया है इस रिपोर्ट में कि सबसे ज्यादा जो आपकी मौतें होंगी वो भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में आपकी होने वाली हैं। ये रिपोर्ट कोविड-19 के ऊपर आपकी की गई है, जिसमें बताया गया कि 12 करोड़ के आसपास एडिशनल चिल्ड्रन ब्लो द पॉवर्टी लाइन इन द नेक्स्ट 6 मंथ। करीब करीब कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से परिवारों के यहाँ पर कमाई पर भी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से 12 करोड़ बच्चे आपके जो है वो अगले 6 महीनों में गरीबी रेखा से नीचे भी आपके यहाँ पर जा सकते हैं। क्लियर है। यूएन की अगर, यूनिसेफ की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इसे कई बार यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता है। ये यूएन की आपकी एक एजेंसी बनती है, यूनाइटेड नेशन की आपकी एक एजेंसी बनती है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क सिटी में आपका मौजूद है, और इसकी स्थापना या इसका फॉर्मेशन 1946 में आपका किया गया था। यूनिसेफ की वर्तमान में जो कार्यकारी निदेशक बनती हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनती हैं, उनका नाम बनता है हेनरीटा H4। क्या नाम बनता है? उनका नाम बनता है हेनरीटा H4, उनका नाम बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पूछा जाता है तो वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस शहर में रक्त की मांग के लिए
यहाँ पर ई ब्लड सर्विसेज एप्लीकेशन को आपका यहाँ पर लॉन्च किया. इन विच सिटी हैज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लॉन्च द ई ब्लड सर्विस ऐप फॉर ब्लड डिमांड. तो खून की कमी को दूर करने के लिए इलाज के लिए मुंबई शहर में ये ऐप आपका डेवलप किया गया है, दिल्ली NCR में या फिर चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है या फिर गाजियाबाद में. कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि ये जो ये ब्लड ग्रुप का जो खून है वो हमें किस अस्पताल में मिलेगा. इसके लिए समय हमारे पास कम होता है मरीज को बचाने के लिए, और हमें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक में भागना पड़ता है कि कहां पर इस ब्लड ग्रुप का ये जो ब्लड है वो आपका मिल जाएगा. तो किस अस्पताल में कौन कौन से ब्लड ग्रुप के और कितनी अमाउंट में पर वहां पर आपका ब्लड मौजूद है, इस सब की जानकारी आपकी ई ब्लड सर्विस ऐप पर होगी, ताकि आसानी से खून के बारे में जानकारी यहां पर हासिल की जा सके. ये दिल्ली NCR में लॉन्च किया गया है हेल्थ मिनिस्टर जो आपके बनते हैं हर्षवर्धन जी के द्वारा, उनके माध्यम से. ठीक है. नोएडा रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा है. नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नेम द नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन डेडिकेटेड टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. इसका नाम जो आपका रखा गया है वो रखा गया है सीमेन मेट्रो स्टेशन, सुपर वुमेन मेट्रो स्टेशन, रैम्बो मेट्रो स्टेशन या फिर मेट्रो वुमेन. करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर जो बनता है वो बनता है आपका रैम्बो मेट्रो स्टेशन. क्या बनता है? रैम्बो मेट्रो स्टेशन, क्योंकि सेक्टर 50 में जो आपका मेट्रो स्टेशन बनता है कहां पर? नोएडा में. ये जो सेक्टर मेट्रो स्टेशन आपका बनता है यहां पर काम करने वाले A to Z हर कर्मचारी यहां पर क्या है वो आपका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है. पहले इस मेट्रो स्टेशन का नाम शीमेन रखा जा रहा था, लेकिन बाद में इस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रेम्बो, जिसमें अलग अलग रंग होते हैं, उसके नाम पर यहाँ पर रखने की बात आपकी यहाँ पर की गई है. भारत में सबसे पहली जो आपकी मेट्रो चलाई गई थी वो 1984 में चलाई गई थी. भारत के किस शहर में सबसे पहली मेट्रो आई थी 1984 में, उस शहर का नाम फटाफट से लिखकर बता दीजिएगा. इसी शहर की मेट्रो स्टेशन भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी आपकी बनती है. भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी इसी शहर में आपकी बनती है, यह भी याद रखिएगा. साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप सभी के लिए अंडरग्राउंड के अलावा, आपको यह भी याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो वाटर मेट्रो स्टेशन है या फिर अंडर वाटर जो मेट्रो आपकी चलाने की बात हो रही है, 2019 के करंट अफेयर्स की कोई जरूरत नहीं है शेखर जी, क्योंकि 2019 का करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. जनवरी मंथ से लेकर और अभी तक सितंबर मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है. क्लियर. वाटर की बात करते हैं, अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वो भी आपका इसी शहर में यानी कि कोलकाता. कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल आपकी बनाई जा रही है. इस टनल के माध्यम से आपकी मेट्रो ट्रेन गुजरेगी. ई श्रीधरन साहब को भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. भारत की नई दिल्ली में जो मेट्रो आपकी बनती है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मेट्रो आपकी बनती है. ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है. क्लियर है. किन ई कॉमर्स स्टार्टअप्स में भारत ने अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उत्पादों का कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाने पर सहमति जता दी है. और अभी आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन नजर आ जाएगा. अगर आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं, स्नैपडील पर शॉपिंग करते हैं या फिर अमेजन पर शॉपिंग करते हैं, तो आपने पर्टिकुलर मान लेते हैं कोई मोबाइल आपने वहां पर देखा कि ये मोबाइल मुझे खरीदना है, तो इस मोबाइल के नीचे जो डिटेल्स आपकी होगी उस डिटेल्स में आपको यहाँ पर ये नजर आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या बनता है. क्योंकि हमें आसानी से पता नहीं चलता कि ये प्रोडक्ट किस देश का मेन प्रोडक्ट है या इस प्रोडक्ट का ओरिजिन किस देश का है, तो ये सब चाइना को काउंटर करने के लिए है. तो फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, amazon.com और अब हर ई कॉमर्स वेबसाइट ने अपने सभी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को यहां पर उनके साथ कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाने पर सहमति जता दी है और ये दिखने भी लग गया है. अगला प्रश्न, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस देश की रेसिंग ड्राइवर जिनका नाम बनता है जेसी कॉम्स को फास्टेस्ट लैंड स्पीड रिकॉर्ड बाय अ फीमेल करार दिया गया है. ठीक है, ये कनाडा से बनती हैं, ये आपकी जर्मनी से बिलोंग करती हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं, ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं. चार ऑप्शन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नेम्ड विच कंट्रीज रेसिंग ड्राइवर नाम बनता है जेसी कॉम्स एज द फास्टेस्ट लैंड स्पीड रिकॉर्ड बाय अ फीमेल. ये आपकी एक जाने मानी ड्राइवर बनती हैं और इन्होंने अपनी रेसिंग कार को यहां पर बहुत तेज स्पीड में दौड़ाया और इनकी जो स्पीड आपकी रिकॉर्ड की गई वो फास्टेस्ट स्पीड है जो आपकी अब तक रिकॉर्ड की गई है. जमीन पर किसी भी वाहन के द्वारा जो फास्टेस्ट लैंड स्पीड रिकॉर्ड की गई है बाय अ फीमेल, एक फीमेल के द्वारा, जेसी कॉम्स के द्वारा उसे करार दिया है. एक्चुअली इसी रेसिंग में उनकी डेथ भी हो गई थी, इसमें जो दुर्घटना हुई
हुई थी उसमें उनकी मौत हो गई थी। अब उनकी दुर्घटना के बाद लंबे समय के बाद अब फाइनली इसको यहाँ पर ये रिकॉर्ड दे दिया गया है। ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने ही यहाँ पर बनाया है और ये यूएसए कंट्री से आपकी बिलोंग करती थी, याद रखिएगा। दरअसल यह रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में ही करीब करीब 10 महीने पहले जेसी कॉम्स की आपकी मौत हो गई थी। उन्होंने अपनी कार और इस कार पर आपका जो इंजन लगा था उसमें आपका जेट इंजन भी लगा हुआ था। जेट इंजन आपका विमानों में लगाया जाता है। जेट पावर युक्त कार को 27 अगस्त 2019 को करीब करीब 841 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड यहां पर दर्ज की थी, जो कि 40 साल में किसी भी फीमेल के द्वारा दर्ज की गई सर्वाधिक स्पीड है। अगर आप लोग सोचें कि ये सर आपकी 2019 की करंट अफेयर्स हो गई, क्योंकि ये रिकॉर्ड 27 अगस्त 2019 को बनाया गया था, बिल्कुल सही है, लेकिन ये 2019 की करंट अफेयर्स नहीं है, क्योंकि इनकी कार की जो स्पीड थी वो थी 841 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास। और हाल ही में इसे जून के महीने में वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर घोषित कर दिया है। यह दुनिया की सबसे तेज स्पीड आपकी यहां पर बनती है किसी भी फीमेल के द्वारा जमीन पर, कोई भी सबसे तेज कार जो आपकी बनती है वो 841 किलोमीटर प्रति घंटा। बाप रे। आगे बात करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुनेजा पुल और देविका ब्रिज का हाल ही में उद्घाटन किया था। पुनेजा पुल और देविका ब्रिज का उद्घाटन किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आपका किया गया था, यह आपको यहां पर बताना है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट का मतलब हो जाएगा कि इसे ऑनलाइन ही इनॉग्रेट किया गया है। पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट किए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो बनता है वो आपका बनता है जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को बनाने में उनकी डेथ हो गई थी, उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को बनाने में जो दुर्घटना हुई उसी में उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व लोक सेवा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल चर्चा के लिए निमंत्रण भेजकर किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है। द यूनियन स्टेट हैज ऑनर्ड विद द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर बाय सेंडिंग इनविटेशन टू द यूएन पैनल डिस्कशन ऑन द वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे। करेक्ट आंसर बनता है केरला स्टेट राज्य की जो आपकी स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने बढ़िया काम किया है, आगे चल के इनको संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भी मिला, हमने अभी डिस्कशन किया है, इनको बुलाया था। सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया है। यह हवाई अड्डा किस भारतीय राज्य में आपका मौजूद है, फटाफट से यहाँ पर मुझे बताइएगा। द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कुशीनगर एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये झारखंड राज्य में है, बिहार राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है या फिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, फटाफट से मुझे यहाँ पर बताएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा यूपी। हिंद महासागर में एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना किस कंट्री की आपकी है, यूएस की है, चाइना की है, जापान की है, ईरान की है। तो ये योजना आपकी ईरान की है कि हिंद महासागर में एक आपका परमानेंट मिलिट्री बेस आपका वहां पर स्थापित किया जाए, ये याद रखिएगा, क्लियर है। अमेरिका के अनुसार कौन सा कंट्री आतंकी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह आपका बना हुआ है, विच नेशन रिमेन्स सेफ हेवन फॉर टेरर ग्रुप, और ये कंट्री आपका बनता है पाकिस्तान। किस भारतीय राज्य ने पशुपालकों से गोबर की खरीद के लिए गौठान योजना की यहाँ पर शुरुआत करने की घोषणा की है, तो ये राज्य आपका बनता है छत्तीसगढ़ स्टेट। और हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट में 21 मई को राजीव गांधी न्याय योजना की भी आपकी शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा कंट्री आपका करने वाला है, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2020 फॉर विमेन्स, ये ब्राजील करेगा, ये कोलंबिया करेगा, ये जापान करेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहां पर मिलकर करेंगे। तो सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर यहां पर इसकी मेजबानी करेंगे। 2023 में किस देश का अंतरिक्ष निगम स्पेस वॉक पर पहला जो पर्यटक है, पहला स्पेस जो टूरिस्ट है अपने देश का, वो ले जाने की योजना बना रहा है। विच नेशन स्पेस कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू टेक द फर्स्ट टूरिस्ट ऑन ए स्पेस वॉक ऑन 2023। तो रशिया यहाँ पर 2023 तक एक आपका स्पेस टूरिस्ट को यहाँ पर अंतरिक्ष में ले जाने की योजना आपका यहाँ पर बना रहा है। इंडिया टीवी रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीवी को नियंत्रित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य आपका टॉप पोजीशन पर है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा हो, विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट
इन कंट्रोलिंग टीबीएस पर इंडिया टीबी टीबी का फुल फॉर्म टीबी आपकी जो बीमारी होती है इसका फुल फॉर्म बनता है ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 करेक्ट आंसर आपका बनता है गुजरात। वर्ल्ड टीबी डे आपका किस तारीख को मनाया जाता है फटाफट से बताएगा टीबी बीमारी की जागरूकता के लिए जो टीबी दिवस आपका होता है वो किस तारीख को मनाया जाता है फटाफट से लिखकर बताइएगा। किस संगठन ने ओईसीडी के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ भारत में डीकार्बोनाइजिंग परिवहन परियोजना शुरू करने के लिए भागीदारी की है ओईसीडी के साथ यहां पर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ताकि भारत के वाहन जो आपके सड़कों पर चलते हैं उनसे जो कार्बन उत्सर्जित होता है वो कम से कम उत्सर्जित हो सके और इन्होंने नीति आयोग के साथ मिलकर भारत में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पुंजा पुल और देविका ब्रिज का उद्घाटन तो दोनों जम्मू कश्मीर ये हो चुका है। किस राज्य सरकार ने कापू समुदाय की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कापू नेस्तम योजना की शुरुआत की है। कापू समुदाय इस राज्य में आपके रहते हैं और कापू कम्युनिटी की महिलाओं को यहाँ पर आर्थिक मदद देने के लिए तेलंगाना गुजरात आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तो कापू समुदाय की महिलाएं और कापू समुदाय आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद है और उनको आर्थिक मदद यहां पर देने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कापू नेस्तम योजना की शुरुआत आपकी यहां पर की है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग राज्यों का जो आपके स्टेट सिंबल्स बनते हैं एक बार उनको फटाफट से यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो स्टेट एनिमल यूपी का बनता है बारहसिंगा, बर्ड बनती है सारस, केन फ्लावर बनता है पलास और ट्री आपका बनता है सीताशोक। उड़ीसा राज्य की बात करते हैं यहाँ का स्टेट एनिमल बनता है वो सांबर बनता है सांबर डियर। बर्ड जो आपकी बनती है ब्लू जोए नाम का जो पक्षी होता है वो स्टेट बर्ड आपकी यहाँ पर बनती है। फ्लावर की बात करते हैं अशोका और अश्वत्था नाम का जो पेड़ होता है वो यहाँ का स्टेट ट्री आपका यहाँ पर बनता है। राजस्थान की बात करें चिंकारा और कैमल को भी यहाँ का स्टेट एनिमल माना जाता है ठीक है। बर्ड जो यहाँ पर बनती है वो आपकी बनती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे गौडावर नाम का पक्षी भी कहा जाता है। ये स्टेट बर्ड आपकी बनती है कहाँ की राजस्थान स्टेट की। फ्लावर की बात करते हैं रोहिंडा नाम का फूल यहाँ का स्टेट फ्लावर बनता है और ट्री बनता है खेजरी नाम का वृक्ष, आपको ये पीडीएफ में सब मिल जाएगा। केरला राज्य की बात करते हैं स्टेट एनिमल बनता है एलिफेंट, बर्ड आपकी बनती है हॉर्नबिल, फ्लावर आपका बनता है कॉनिकोना और ट्री आपका बनता है कोकोनट ट्री। यहां तक की क्लास सबको पसंद आई हो तो अपनी तरफ से एक बार लाइक कर दो, अगर पसंद आई हो तभी लाइक करना नहीं तो मत करना कोई दिक्कत नहीं ओके। कर्नाटका की बात करते हैं यहाँ का स्टेट एनिमल भी एलिफेंट ही बनता है, बर्ड आपकी बनती है इंडियन रूलर, फ्लावर आपका बनता है लोटस, ट्री आपका बनता है सैडल वुड ठीक है। गुजरात की बात करते हैं स्टेट एनिमल है गुजरात का एशियाई शेर, बर्ड यहाँ की बनती है ग्रेटर फ्लैमिंगो, फ्लावर यहाँ पर बनता है मैरीगोल्ड और यहाँ का स्टेट ट्री बनता है गुजरात का वो मैंगो बनता है, भारत का राष्ट्रीय फल भी आपका मैंगो बनता है। उत्तराखंड का स्टेट एनिमल मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग, स्टेट बर्ड आपकी बनती है मोनल, फ्लावर आपका बनता है ब्रह्म कमल और बुरांस नाम का जो पेड़ होता है वो यहाँ का स्टेट ट्री आपका यहाँ पर बनता है। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का जो स्टेट एनिमल आपका बनता है वो ब्लैक बक नाम की हिरण की प्रजाति बनती है। स्टेट बर्ड जो आपकी बनती है बाज यानी कि ईगल जो है बाज है वो आपका पंजाब का स्टेट बर्ड आपका बनता है। ट्री आपका जो बनता है शीशम का जो वृक्ष होता है वो आपका स्टेट ट्री बनता है पंजाब का, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। क्लियर है सभी को। आगे बात करते हैं तेलंगाना स्टेट की, आपका सबसे न्यूली डेवलप स्टेट है, 2 जून 2014 को इस राज्य का निर्माण हुआ था ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल आपका बनता है जिंका डियर, जिंका नाम का जो हिरण होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है वो आपका स्टेट एनिमल होता है। बर्ड की बात करते हैं तो पाला पित्ता या इसे हम लोग इंडियन रोलर भी कहते हैं, ब्लू जॉय भी कहते हैं, तो पाला पित्ता नाम के पक्षी को इंडियन रोलर को यहाँ का स्टेट बर्ड डिस्कस किया गया है बताया गया है। फ्लावर की बात करते हैं तो तान गेदू नाम का फूल यहाँ का स्टेट फ्लावर आपका बनता है तान गेदू और ट्री आपका बनता है जम्मी चेतू नाम का जो ट्री है वो यहाँ पर स्टेट ट्री आपका यहाँ पर बनता है। तो ये तेलंगाना के सिंबल्स की भी बात हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है, क्लियर है आप सभी को। साथ ही साथ आप सभी के साथ कुछ नेशनल पार्क की यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के साथ ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कशन के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें देखनी है वो हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेट वाइज आपको यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, सभी नेशनल पार्क्स की जो लिस्ट आपकी यहाँ पर बनती है वो मैंने आपकी स्टेट वाइज आपको यहाँ पर दे दी है।
नेशनल पार्क्स की जो लिस्ट है वो आपकी स्टेट वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगी और पीडीएफ में भी आपको ये प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की, तो जो फेमस आपके नेशनल पार्क आपके वेस्ट बंगाल में आपके जो बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं उनको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। एक सेकेंड, जरा मैं इसको यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलिए, तो अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ, बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन नेशनल पार्क, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट जो आपके नेशनल पार्क बनते हैं वो पश्चिम बंगाल, वो आपके वेस्ट बंगाल में मौजूद है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करता हूं तो यहां पर तीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपके बनते हैं, कैंप बेल बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये तीन आपके बनते हैं। अगर किसी भी नेशनल पार्क के बीच में आपका बटन शब्द का इस्तेमाल है तो याद रखिएगा वो नेशनल पार्क आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में आपका मौजूद होगा, याद रखिएगा। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क और रानी ऑफ झांसी नेशनल पार्क, ये भी आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में आपके मौजूद है। सैडल पीक नेशनल पार्क और सैडल पीक अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी भी आपकी बनती है, ये भी याद रखिएगा। साउथ बटन नेशनल पार्क भी आपका यहीं पर मौजूद है। तो जिस नेशनल पार्क के साथ बटन शब्द का इस्तेमाल किया गया वो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आपके यहाँ पर मौजूद है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 6 नेशनल पार्क हैं वेस्ट बंगाल में, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो मैंने आप सभी से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे नेशनल पार्क ही हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनको शामिल किया है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और ताडोबा नेशनल पार्क, ये सभी आपके महाराष्ट्र के नेशनल पार्क आपके यहाँ पर बनते हैं। आगे भी आपके नेशनल पार्क हैं लेकिन अब उनको हम लोग लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको यहाँ पर पसंद आई होगी, तो फटाफट से यहाँ पर क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ओके। अब आपकी अगली क्लास जो होगी वो 11 बजे होगी और वो सीधे अनअकैडमी पर होगी, GSMCQ की क्लास, और इसके बाद आपकी 1 बजे जो आपकी क्लास होगी वो आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी, वो भी आपकी अनअकैडमी पर ही होगी, ठीक है। और फिर 2 बजे आपकी जो क्लास होगी वो आपकी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर होगी, तो वहां पर इन सभी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए सभी लोग जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही और कल फिर आपसे मुलाकात होगी, ओके। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और बचे हुए जो नेशनल पार्क्स की लिस्ट है वो आपको कल यहाँ पर दे दी जाएगी और बाकी का डिस्कशन भी। थैंक यू।